नगर निगम के स्मार्ट सिटी के सीईओ गौरव जी और सभी प्रेस मीडिया के साथीगण, रोड सेफ्टी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर साल देश स्तर पर टाइम्स नाउ जो रेनाउंड पत्र समूह है और सुजुकी कंपनी हर साल सर्वे कराती है। ये खुशी की बात है कि इस बार यह अवार्ड जो है वो रायपुर शहर को, जो पैदल यात्रियों की सुरक्षा और रोड सेफ्टी के लिए किए गए कार्यों का जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें रायपुर शहर को प्रथम स्थान दिया गया है। बेस्ट सिटी अवार्ड के लिए रायपुर का चयन किया गया है। इसमें रायपुर की जनता को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बधाई देता हूँ, सभी MIC के हमारे सदस्य और सभी पार्षदगण, सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ मैं कि देश भर के शहरों में रोड सेफ्टी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में सर्वेक्षण हुआ था और ये हर साल होता है। पिछले साल पूना को दिया गया था और इस बार ये सर्वोच्च अंक जो है वो बेस्ट सिटी सिक्योरिटी का जो अवार्ड है वो रायपुर शहर को दिया जा रहा है। 17 तारीख को ये अवार्ड जो है वो दिल्ली में होटल हयात में टाइम्स नाउ और सुजुकी और भारत सरकार के जो विभाग हैं रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट उनके अधिकारियों के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा। हमारे आयुक्त महोदय इस अवार्ड को लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। अभी मुझे सूचना मिली कि आयुक्त महोदय की एक अर्जेंट बैठक है, तो मैं नगर निगम की तरफ से हम और हमारे CEO गौरव जी इस अवार्ड को लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। 30 हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय के संबंध में पत्र लिखा था कि रायपुर नगर निगम के बहुत सारे अधिकारियों को स्मार्ट सिटी में समाहित कर लिया गया है, जिसके कारण हमारे प्रोजेक्ट जो हैं या हमारे काम में किसी न किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। और रायपुर नगर निगम अपने आप में 15 लाख की जनसंख्या का नगर निगम है और इतने बड़े पैमाने पर अगर हमारे इंजीनियर स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो विकास कार्य हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को, डायरेक्टर को पत्र लिखा था, तो ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों को वापस नगर निगम में भेजा जाएगा और बाकी लोग। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो कि दो चीज़ों के लिए, पहला तो रायपुर जो है वो 90 सिटियों में तीसरे नंबर पर उभर के आया है मोस्ट प्रोग्रेसिव स्मार्ट सिटी के तौर पे, और दूसरा जो हमें अवार्ड मिला है पेडेस्ट्रियन राइट एंड रोड सेफ्टी अवार्ड। हम जब से स्मार्ट सिटी की स्थापना हुई है रायपुर के अंतर्गत, मेयर साहब का और कमिश्नर साहब का इस बात पर खास फोकस रहा है दो चीज़ों पर, एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट। ये हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो अवार्ड मिला है उसके 2-3 मेन रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमको मिला है। एक तो जैसा सर ने बताया कि ITMS सिस्टम जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब देखिए होता क्या है, सेफ्टी कैसे किसी भी पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी कैसे इंक्रीज होगी, दो चीज़ें, एक तो जो उनके बगल में जो गाड़ियां चल रही हैं उनको सुचारू तौर पे चलें, वो उनके ट्रैक में ना आए, और दूसरी चीज़ है कि उन पेडेस्ट्रियंस को जो चल रहे हैं उनके लिए एक वहाँ पे प्रोविज़न रखा जाए। तो हमने इसके लिए 2-3 चीज़ें की हैं। सुगम ट्रैफिक के नाम पे हमने एक प्रोग्राम चालू किया था जिसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें लाई हैं। एक तो रोडों का चौड़ीकरण आप देखेंगे काफ़ी जगह पे लगातार चल रहा है। दूसरा, हमने स्मार्ट रोड के तौर पे 20 से 21 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं जिसके फर्स्ट और सेकेंड फेज़ लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज में। तो जब हम स्मार्ट रोड की बात करते हैं तो उसमें पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइक्लिस्ट के लिए और गाड़ियों के लिए प्रावधान ऐसे भी होते हैं। और तीसरा जो हमने अभी स्टार्ट किया है कि साइक्लिस्ट भी साथ में, पेडेस्ट्रियंस के साथ साथ साइक्लिस्ट के लिए भी, जैसे सर ने बताया कि 4 से 10 किलोमीटर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए भी हमने शहर में पैरेलली काम शुरू किया है। तो ये जो अवार्ड हमको मिला है ये एक या दो चीज़ों से नहीं हुआ है, बल्कि कंपोजिटली जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, प्रयास करें हैं, उसकी वजह से ये अवार्ड हमें मिला है, जिसकी टीम टाइम्स और मारुति सुजुकी की आई हुई थी और इवेंचुअली उनने काफ़ी पैरामीटर्स में लोगों से डायरेक्टली जाके भी बात की, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे उनने पूछा, डायरेक्टली जाके लोगों से बात की और उसके बेसिस पे इनने पॉइंट्स देके फिर रायपुर का चयन हुआ है। तो ये इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी जैसा सर ने बताया, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और उस पर जल्दी फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लबर 28 द डिजिटल मीडिया।